अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू एन अदर ब्रांड न्यू एक्साइटिंग वीडियो। और कैसे हैं आप सब? जैसे कि एज यूजुअल मैं अपने वीडियो के स्टार्ट में पूछती हूँ आप सबका, और यहाँ पे क्या सीन है, हुआ ये है कि हम अपने गांव में एक जगह है उसको कहते हैं ब्रोग, उधर आए थे। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हम इस्लामाबाद से आए हुए हैं तो हमारी इतनी चलने की प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा नहीं चल सकते। सो हम लोगों ने गाड़ी करवाई थी, मतलब एक वर्स किस्म की राइड थी वो, लेकिन शुक्र है हम पहुंच गए। अब बाकी का सफ़र, क्योंकि आगे थोड़ी सी आर्मी वगैरह की वजह से रिस्ट्रिक्शन है तो गाड़ी नहीं जा सकती, तो हम पैदल सफ़र करके जा रहे हैं। और मैं अपनी राइड भी आपको चेक कराती हूँ और रास्ते भी दिखाती हूँ। और अब जो जा रहे हैं हम, एक झील है खूबसूरत सी, तो उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी हम कितना चल पाते हैं। अपनी तरफ से तो हमने अच्छे से जॉगर्स पहने हैं, सॉक्स वगैरह, कि हम अच्छे से चल सकें, बट लेट्स सी कि कितना चल सकते हैं। और ये जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा पथरीला रास्ता है, पत्थर पत्थर पत्थर। मेरे बैग पे देख लें, पूरा रास्ता पत्थर पत्थर, लेकिन फिर भी वो ट्यूटा थी जिसके ज़रिए हम जिसमें बैठ के आ गए थे। और पत्नी किस मुल्क में ये इजाद हुआ है या जिसने बनाया, लाइक उन्होंने हमारे ही लगते सड़कों को सोच के ये ट्यूटा इजाद की है। सो आई विल शो यू, लेट मी शो यू रास्ते भी और गाड़ी भी। हमारी आधी टीम वहाँ पे स्टे कर रही है और ये ट्यूटा थी जिसमें सब फिक्स होके आए हैं। और ये रास्ते आप चेक करें, थ्रू आउट रास्ता ही ऐसा था। लेकिन जिस जगह जा रहे हैं वो सुना है बहुत खूबसूरत है, तो सफ़र की मुश्किलात जो हैं वो मंजिल को देख के ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं माउंटेन टॉप पे अभी भी स्नो है, ग्लेशियर। और ये चेक करें, और ये बम्पी रास्ते। अपनी तरफ से तो मैंने पक्के शूज़ पहने हुए, लेट्स सी कितना ये शूज़ मुझे हेल्प करते हैं चलने में। और चलते 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 चलते, और हमारी आधी टीम जो है ना वो आगे भी पहुंच गई है, वहाँ पे देखें। तो देखें यार कितना चल पाते हैं, और चलते जाते हैं। पानी भी साथ साथ और पत्थर भी, पथरीले रास्ते भी साथ साथ, और फोटोग्राफी भी चल रही है। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड सुबह के, मतलब 5 बजे। हम लोग सुबह नमाज के लिए उठे और उसके बाद नाश्ता किया और निकल पड़े। और कंटिन्यूसली मतलब ड्राइव की है ड्राइवर ने, तो कहीं जाके हम पहुँचे हैं इट्स अबाउट 8:30 सुबह के, और हम इधर पहुँचे हैं। और अब हम बाकी का जो सफ़र है थोड़ा सा पैदल चल के कर रहे हैं। वो जो खूबसूरत झील थी ना वो बिल्कुल सामने आ गई है, मैं आपको चेक कराती हूँ। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh.
चट्टानों को भी अगर आप देखें ना, डिफरेंट से ही अपना आप एक जियोलॉजिस्ट लग रहा है फिलहाल तो। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, ऑरेंजेस, रेड, ग्रीन, ब्लैक, चेक करें। सो यहाँ पे हमने ब्रेक ली है थोड़ी सी चाय पीने के लिए, टी ब्रेक, और आप यहाँ से व्यू चेक करें। अभी भी पहाड़ों पे बर्फ जमी है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ब्लैक साइड पे, ये कहा जाता है कि सलाजीत यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे बेशुमार कुदरती वसाइल हैं, लेकिन क्योंकि एक्सप्लोर नहीं हो सकता इस वजह से ये हिडन है।